बालोतरा जिले की सिंदरी पुलिस ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट कर फायरिंग करने के मामले में वांटेड को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनामी है। डेढ़ महीने बाद पुलिस की हत्थे चढ़ा है। फिलहाल पुलिस आरोपी से फायरिंग करने वाले हथियार जो है उसको लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया सरनू टोल के मैनेजर अनिल कुमार शुक्ला ने सिंदरी थाने में 16 सितंबर को रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया कि बाड़मेर जालोर सरनू टोल प्लाजा पर चवा निवासी बमाराम पुत्र अमराराम पिकअप वाहन लेकर पहुंचा। यहां टोल मांगने पर लोकल होने का वाला दिया। टोल कर्मी ने आईडी कार्ड मांगा तो मना कर दिया। इस पर दोनों के बीच में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बमाराम ने अपने भाई मनाराम को फोन कर बुलाया। वह कार में आया और टोल पर एक हवाई फायरिंग कर दिया। इसके बाद टोल कर्मी इकट्ठा हो गए। दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की थी। सिंदरी थाना अधिकारी सुरेश सारण के अनुसार पुलिस ने टीमों का गठन कर तकनीकी और सूचना के आधार पर संभावित ठिकानों पर दबिश देकर 18 सितंबर को घटना में शामिल बमाराम पुत्र अमराराम निवासी आदर्श चवा को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं आरोपी मनाराम घटना के बाद फरार हो गया। आरोपी आले दर्जे का बदमाश व शातिर अपराधी है। एसपी बालोतरा ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें बनाई गई। टीमों ने सूचना के आधार पर वांटेड व इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम आरोपी से हथियार बरामदगी को लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मामले जो है वो दर्ज हो रखे हैं। अब आगे आप वीडियो में सुनिए पुलिस का क्या कहना है। जुड़े रहे तमाम प्रकार के अपडेट के लिए द कटक के साथ। मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर। आदरणीय महानिरीक्षक, जोधपुर रेंज के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे ऑपरेशन भोकाल के तहत प्रभावी कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक बालोतरा के सुपरविजन में सरनू टोल प्लाजा पुलिस थाना सणदरी के अंदर उस समय पूर्व फायरिंग हुई थी। इस फायरिंग में एक आरोपी को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था और दूसरा जो है 25,000 का इनामी अपराधी मानाराम जो है फरार था। उस 25,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार करने में बालोतरा जिला पुलिस टीम ने सफलता अर्जित की है और ये जो आरोपी है वो मनाराम गांव आदर्श चवा पुलिस थाना सदर बाड़मेर का निवासी है और इस प्रकार ऑपरेशन भोकाल के तहत जिला पुलिस बालोतरा द्वारा प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।